और शिवरात्रि में सांप का जोड़ा भी निकलता है, बागड़न दिखता है। हाँ, शंकर जी निकले हुए हैं जी जी। ऐसे में जिन पे मैं हाथ रख रहे हूँ यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण। हाँ, जब ये काम हो गया फिर शंकर जी की कृपा होगी। शंकर जी की कृपा होने से पशुओं के दूध की जगह खून आना शुरू हो गया। तो उस पत्थर को क्यों काट रहे थे? इसको पत्थर उनको पता नहीं था, पता नहीं था न उनको ज्ञान था इस चीज का भी। ये शंकर जी है, इसके छेड़ने से हमारा इतना नुकसान होगा, इतनी कृपा होगी। तुमने तो शंकर जी छेड़ रखे हैं, शंकर जी कृपा है। जोड़ा फिर पाया नहीं, इसमें पता चट गए थे। अच्छा जी, पत्ता पत्ता तोड़ दिया था। निर्वाण है जो 80 साल जो गुजर भी लिए हैं, उन्होंने इसको 30-40 फुट खोज के देखा गया, पैडी लगा के। जब इसके कोई था नहीं मिला नहीं, उन्होंने पंडितों को यहाँ खड़े करके बनवाया था, जो पाठ पूजा की फिर पंडितों ने, तो फिर ये भगवान शंकर जा रहे। आंटी देखो, हम साथ दर्शकन विक्रम की राम राम, और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं झीन जिले के बड़ौद गांव में इस वक्त में मौजूद हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो आपको जो प्राचीन मंदिर जो दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर हरिद्वार से जब गंगा जल करके आते हैं तो यहाँ पर जो भगत जन है, यहाँ पर श्रद्धालु है, गंगा जल यहाँ पर लाते हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं जो आपको जो पीपल जो दिखाई दे रहा है, ये भी उसी समय का है जो पीपल है बताया जा रहा है। फिलहाल के जो पुजारी है उनसे हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पर जो शिवलिंग निकला था भी, ये कैसे निकला था और क्या कुछ इनका इतिहास है। तो हमारे साथ जो पुजारी हैं यहाँ के जो यहाँ पर रहते हैं जी, जय बोलो कि राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम राम दिया पंडित जी है। तो जानना चाहूँगा जो इतिहास है यहाँ, यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दूर दराज से लोग आके जल चढ़ाते हैं, और द्वार से गौमुख से लाके यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती। बहुत प्राचीन मंदिर है, 12 गांवों का मंदिर है और 12 गांवों का भंडारा है, वो सारे देश का मंदिर है। जी जी जी। अभी यहाँ पर आते हैं, दूसरे गांव से भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ तो नोनी बेराज कलकत्ते जिले लग के भी आते हैं। जिसकी मनोकामना पूर्ण होगी आपके आप पर नहीं, आप ही नहीं आओगा। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत बड़ा गाँव। कौन कौन से? 12 गाँव है इसमें। यहाँ से बड़ौद, अंटा, टिट्टो, कृषिंदु, सपीदो, सरनाखेड़ी, निमणाबाद, डडवाड़ा, बुसलाना, संतपर, अरजी, खतला, पसीनी, बड़ौद, ये 12 गांव है। तो अभी आप है जी, इतिहास बताओ जी, जो यहाँ पर शिवलिंग निकला था वो कैसे निकला था, आप इतिहास बताओ दर्शकाना जी। यहाँ पर लोग बताते हैं भाई, गांव था सारा मुसलमानों का, यहाँ पर कब्रिस्तान थी, मुसलमानों की गार्ड थी, यहाँ पर पशु पशु बैठा करते, ये सिग्नल निकले आए यहाँ पर। अच्छा। जिस टाइम शंकर जी यहाँ निकले आए, उन्होंने इनका ज्ञान नहीं था, उन्होंने इसको छेड़ना शुरू कर दिया, हमारी गाड़ियों में क्या निकले आया है, क्या कुछ हुआ है। ऐसे में इसी शंकर जी की कृपा तो उन्होंने इसको गंडासियों से क्या इसी से काटना शुरू कर दिया, सामने काट दिए, तड़की उतना उससे ज्यादा पाव है। अच्छा। हाँ, जब ये काम हो गया फिर शंकर जी की कृपा होगी। शंकर जी कृपा होने से पशुओं के दूध की जगह खून आना शुरू हो गया, हाहाकार मच गई, किसी सियाने सपटे पे किसी बोल भी पे और किसी पर कोई दिखाई दिया है, उसने कहा कि भाई यहाँ पर शंकर जी का मंदिर बनवाओ, जब सारा काम चलेगा। मुसलमानों ने हिंदू खड़े कर जब ये मंदिर बनवाया है, तन मन धन से सारा देश ही यहाँ सेवा करता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर 12 गांवों के भंडारे हैं, हलवा सब्जी पूरी बनती है, जो व्रत हैं उनके लिए फल दूध होता है, सभी इंजाम होता है। जी जी जी। तो उस पत्थर को क्यों काट रहे थे? इसको पत्थर उनको पता नहीं था भी ये शिवलिंग नहीं था, न उनको ज्ञान था इस चीज़ का भी, ये शंकर जी है, इसके छेड़ने से हमारा इतना नुकसान होगा, इतनी कृपा होगी, जब ज़्यादा कृपा होगी, जीवों रोंदे रांदे कहीं सियाने सपटे में मौलवी पुरोहित गए हैं, उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पर हिंदुओं को खड़े कर मंदिर बनवाया, जब ये मंदिर बने है। अच्छा। इस मंदिर का ये निवेदक कितने दिन का है, यहाँ पर 2 पीपल हैं, 1 बड़ है, बहुत प्राचीन। अच्छा, देख सकते हो बड़ परली साइड में खड़ा है, उसकी चार द्वारी निकली हुई है, वहाँ पर बरांडा बना हुआ है। अच्छा जी। कावड़ियों के तो लिए उसका पूरी तरीके से रख रखाव किया जाता है, ध्यान किया जाता है। यहाँ पर 5-6 लेटरिंग है, 5-6 बाथरूम है, अजमे कोई आने का कोई दिक्कत ना हो, पानी की व्यवस्था है, हैंडपम्प है,
सबमर्सिबल भी है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और यहीं पर है जो शिवलिंग यहाँ पर निकला था। हाँ। तो बात की जाए तो उस समय यहाँ पर जंगल होते थे। हाँ, उस दिन तो छोटा सा ही गांव होता था, 20-50 आदमी या 100 आदमी आते होंगे जब तो कभी ऐसे में। अब तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं रहती, 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा जी। हाँ। और यहाँ पे रजवाया होता था और यहाँ पर पालो बताते हमने देखा नहीं है, बाकी रजवाया होता था, पशु बैठते थे, नहाते थे, सभी पानी पात उसी का पीते थे। या फिर कोई थी एक छोटी सी, अब तो मुंदी है, उसी से सारा गांव पीता था। जैसे कि आपने बताया कि उस समय है गांव बड़ौद में है, हाहाकार मच गई थी, पशु है, दूध जो खून देना खून आना शुरू हो गया था और बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको शांत कैसे किया फिर? उसको शांत किसी सियाने सप्ते में मौलवी ने बताया, अकबाई तुमने तो शंकर जी छेड़ रखे हैं, शंकर जी एक रूपी है। जब उन्होंने किसी ने बताया जब हिंदू खड़े कर कर बीच में आवर गए जब ये मंदिर बने। जी जी जी। देखिये जहाँ पर भी कोई चीज निकलती है, शिवरात्रि ने सांप का जोड़ा भी निकलता है, बागड़ा दिखता है। अच्छा, यहाँ पे सांप का जोड़ा, हाँ, दोनों शिवरात्रि और सांप का जोड़ा जो निकलता है दिखा बागड़ा। आपने देखा कभी? मैंने भी देखा है, ढोल भी बाजे है, जल भी चढ़ाया लोगों ने, मत्थे भी टेके हैं, फिर टोया भी है, दोनों जोड़ा फिर पाया नहीं, इस पीपल में चढ़ गए थे। अच्छा जी, गायब हो गए, पत्ता पत्ता तोड़ दिया था, गायब उन्होंने कहाँ गए। दिन की बात है या फिर रात? ये भंडार, ये हवन के ऊपर की बात है, हमन के लिए 21 ईंट रखी हुई थी, उन ईंटा में से पैदल गए। अच्छा जी। श्याना रखस हुए थे, सवेरे अमन होगा, आज मैं लागे बोला देख, एक बोला देख कठाइए भाई, बोले उ के बोला पार्वती आवागे वो प्रकट हो गए। अच्छा, प्रकट हो गए थे जी। अच्छा, अभी बताओ जी, डिडवाड़े गांव का भंडारा था उस टाइम। अच्छा, डिडवाड़ा गांव का भंडारा था जी, वो सांप का जोड़ा निकला। आप फिर बताओ जी, समय शिव निकला था, इसकी जो खोदी बाड़ी करी थी, इसकी वो जड़ देखी थी जी? जड़ देखी थी इसकी, लोगों ने बड़े बड़े रुआ ने जो 80-80 साल जो गुजर भी लिए है, उन्होंने इसको 30-40 फुट खोद के देखा गया, पैडी लगा के। जब इसके कोई था नहीं मिला, नहीं जब झटपट कुछ नहीं मिली, अकबाई तो सारे नीचे फैल लगा। अच्छा, मैं जब उन्होंने गौ के गोबर के लिए लीप के और जब उसका व्रत भर के जब फर्श लुआ था, सपीदों क्या न गम क्या न। यहाँ पर है हरिद्वार से गंगा जल करके यहाँ पर आते हैं, तो आसपास में जो मंदिर होता है, मंदिरों में शिवलिंग तो होता है, वहाँ पर भी पूजा होती है, तो यहीं पर भी गंगा जल चढ़ाते हैं? ये नो चढ़ाते हैं, जिसका जो पुरानी लायक है, जो बड़े बड़े दूर आमे थे, इधर सारे गाँव में मंदिर बन गए, गाँव में वहाँ जल चढ़ाया, उनका कोई स्विच नहीं आई, कोई अच्छे काम नहीं हुए, उसी करके दोबारा इस मंदिर में आना शुरू कर दिया, इसी करके यहाँ जल चढ़ता है। जी जी जी। और उनकी मनोकामना, मनोकामना इनकी पूर्ण होती है। अब कोई भी आगे देख लो, सच्चे मन से मनोकामना ना पूर्ण होगी जब कही हो। बिल्कुल बिल्कुल। सारी व्यवस्था है, सोने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था है, पंखे की और, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती आपकी? सारा काम साथ देता है, सारे काम खड़े होकर, ऐसे में कोई किसी की परेशानी नहीं होने देते। जी जी जी। राम राम जी। राम राम। आपका नाम क्या जी? श्याम लाल जी। आप क्या कुछ जानते हैं यहाँ के जी? हम तो 56 साल की उम्र होगी, हम तो यही चीज़ सुनते आ रहे हैं कि ये प्राचीन मंदिर है, जिस टाइम मतलब ये मुसलमानों ने पंडितों को यहाँ खड़े करके बनवाया था, जो पाठ पूजा की फिर पंडितों ने, तो फिर ये भगवान शंकर जी शांत हुए थे, तेनी तो ये गांव पूरा नष्ट होने की संभावना पे था, नष्ट होने की कगार पर था। और फिर मतलब पाठ पूजा की पंडितों ने यहाँ, फिर उन्होंने मंदिर बनवाया, तो फिर ये शांत हुए थे, फिर काफ़ी साल मुसलमान बसे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पंडित भी रखे तो जो पाठ पूजा करते थे, तो उसके बाद फिर गाँव ये अपना शांति से मतलब को नहीं। अब कोई मुसलमान नहीं है गांव में। अच्छा, इस गांव में कोई मुसलमान नहीं? नहीं, कोई मुसलमान नहीं है। ऐसा क्यों जी? बस ऐसा है कि शुरू से निकल गए, अब जो थे अपना हिंदू निकल गए, पहले साथ साथ में, बाद में जो एक दो घर था वो भी अपना यहाँ से चले गए, पता नहीं हो इसकी मर्जी है क्या है। उनका काम कोई भी उनका काम बढ़ोतरी करो, घाटे में जानते रहे, इसी करके यहाँ से बेच बाच के अपना चले गए। कौन सी सन की बात है जी, आपको पता हो तो? ये 35 साल गया भाई, तो ये तो अब गया, जो पहले 47 में मतलब चले गए थे मुसलमान काफी, यहाँ 47 में चले गए थे। हाँ, ये खाली हो गया था जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये गांव खाली हो चुका था, उसके बाद फिर मतलब वहाँ यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं था, फिर अंटे के जो मतलब चौधरी हैं वहाँ पे, मतलब जाट लोग बहुत अच्छे वो हैं, फिर उन्होंने मतलब बाहर से ब्राह्मणों को ले आके यहाँ गाँव में बिठाया, तो फिर इसकी पाठ पूजा करवानी शुरू की उन्होंने, फिर
आपको हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर वो शिवलिंग जो निकला हुआ है और जो यहाँ के जो पुजारी है जो बता रहे हैं कि यहीं पे है भाई, जो आप सामने दे सको हो। एक बार लाइट पर ले फोन की, यहाँ पर भी आप देख सको सामने थोड़ा पास तक दिखा हुआ है। मेरे सामने ये शंकर जी निकले हुए हैं जी जी, ऐसे में जिन पे मैं हाथ रख रहे हूँ, यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसी पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ पर 12 गांवों के लोग, गांव के रोड सभी लोग तन मन धन से सेवा करते हैं। कोई किसी को दिक्कत ना आए, कोई परेशानी नहीं गई, भूखा तस्या ना रहे जी जी जी। भाई आप दे सको हो, जैसे कि जो यहाँ के तो पुजारी, नाम क्या बताया आपने आपका जी? मेरा नाम रामदिया पंडित जी है। रामदिया पंडित जी अपने साथ जुड़े हुए थे और यहाँ का जो इतिहास था जो पुजारी जी ने आप तो बता दिया है, बाकी क्या कुछ कहोगे भी? आप भी यहाँ पर है, गंगा जल चढ़ाने जरूर आते होंगे क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर जो भी माना गया है, और आस पास के जो गाँव है या और गाँव तो भी यहाँ पर है, गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे आवे है। और जब कोई भी जो व्रत हो भाई, शिवरात्रि का व्रत है या अभी महाशिवरात्रि का व्रत है, तो यहाँ पर गंगा चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आज कभी भी मंदिर में या कुश्तियों में या मेले में कोई रोड़ा नहीं होया है, ना रोड़ा उन्हें देते हैं, तन मन धन से खड़े हो जाते हैं, ना कोई तस्या जान जिंदा नु देखते हैं, कोई भूखा तस्या या कोई कपड़े बिना, सभी की सेवा करते हैं जी। धन्यवाद। हाँ अच्छा, तो भी आप ऐसे कहो रामदेव पंडित जी अपने साथ है जुड़े हुए थे, यहाँ के जो पुजारी है और उन्होंने आप तह बहुत ही जो पूरी जानकारी है वो आप तह दे दी है। तो जितने साथी जो जींद जिले के बड़ौद गांव से तस्वीर आप देखने लग रहे, तो आप इन तस्वीरों में आगे तक कभी शेयर जरूर कर दीजिए। तो भी आप क्या कुछ कहोगे भी इस मंदिर लेकर, जो प्राचीन मंदिर जो आप तो दिखाया, तो कमेंट बॉक्स जरूर अपनी राय जरूर दे दियो। धन्यवाद। राम राम।